हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं मेकअप सेटिंग स्प्रे, होममेड मेकअप सेटिंग स्प्रे DIY, ये बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना केमिकल के सेटिंग स्प्रे जरूर करना चाहिए। मेकअप सेटिंग स्प्रे करने से हमारा जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ज़्यादा देर तक टिका रहता है और टस्ट से मस्त नहीं होता और अच्छा रहता है। कभी कभी हम लोग मेकअप कर लेते हैं तो कहीं एक क्लियर सा लुक नहीं निकल के आता है, मतलब बराबर सा चेहरा नहीं। आप जाते हैं तो थोड़े देर ज़्यादा टाइम के लिए तो आपको ऐसा लगता है, थोड़ी देर जाते हैं आपका मेकअप उतर गया है। आप मेकअप सेटिंग स्प्रे से उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, मेकअप को आपने और भी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेकअप चाहिए तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे। मार्केट में तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो लेकिन बताऊंगी ये मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने घर पे कैसे बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया और इसके इफेक्ट। मैं इसको बनाने के लिए पीने वाला पानी ले रही हूँ, फिल्टर आप पीने वाला जो पानी होता है वो ले लीजिए। मैं इसमें आधा बॉटल से ज़्यादा लूँगी, मैंने रोज वाटर का बॉटल थी मेरी जो ख़त्म हो गई है, स्प्रे बॉटल है तो मैं इसमें ही बना ले रही हूँ। तो आप पीने वाला पानी ले लीजिए इतना। फिर मैं आधा चम्मच के करीब एलोवेरा लूँगी, आधा चम्मच के करीब। फिर मैं इसको आधा चम्मच के करीब इसमें ग्लिसरीन डालूँगी, ग्लिसरीन हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। कितने लोग इसमें रोज वाटर से बनाते हैं लेकिन रोज वाटर रिमूव का काम करता है, इसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता है। तो देखिए मैंने इसमें पहले इतना डाल दिया था, फिर मैं आपको दिखाने के लिए इतना डाल रही हूँ, मतलब ये कुल आधा चम्मच के करीब ही है। फिर मैं इसमें गुलाब जल डालूंगी, ये ऐसे नहीं डाला था, मैंने आपको ढक्कन में डाल के, ये आधा ढक्कन के करीब है इसमें डाल के दिखाया है। रोज वाटर डालने से स्मेल अच्छी आएगी, जब भी हम लोग स्प्रे करेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये देखिए मेरा ग्लो सीरम है, मैं इतना डाली, आप देख सकते हैं मैं कितना डाली, ये मेरा होम मेड ग्लो सीरम है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, बहुत इफेक्टिव ग्लो सीरम है। इन सबको मैं अच्छे से सेक कर लूंगी, ऐसा जब भी आप मेकअप करने जाए तो उसको आप एक बार ऐसे सेक कर लीजिए, ऐसे सेक करेंगे तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, तो आप इसको सेक कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप मेकअप करने जाते हैं तो उसको उस मेकअप करने से पहले एक बार अपने स्किन को इस पर स्प्रे कर लीजिए, फिर आप उसको डैब 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 करके ऐसे सूखने दीजिए। फिर आप उसके बाद मेकअप करने के बाद आप सारा मेकअप डन कर ले जाओ। अगर आपने आई मेकअप किया है तो आप ऐसे करके स्प्रे करिएगा, अगर नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही ठंडा ठंडा। आप मसाज नहीं करिएगा, ऐसे रफ मत करिएगा, आप इसको ऐसे डैब 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 करके आप इसको सूखने दीजिएगा। फिर कहीं पर लगेगा कि आपका मतलब एकदम अच्छे से मेकअप सेट हो जाएगा, उसके बाद सोचते हैं कि आप ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर लें, उस पर ऐसे स्प्रे करके फिर आप इसको डैब डैब के हल्के, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको ऐसे 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 कर सकते हैं डैब डैब। फिर आपके चेहरे पे मेकअप करने के बाद एक साइन निकल के आती है, मेकअप सेटिंग निकल के आता है, एकदम डूई सा मेकअप होता है। ये देखिए, ये आपको धीरे से हल्के से, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं कर सकते या नहीं है तो आप सिर्फ हाथ से, उंगली से ही, आप फिंगर से ही ऐसे ऐसे डैब 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 करके, ऐसे डैब डैब करके आपको सूखने दीजिएगा। फिर फैन की वजह से नेचुरली सूखने दीजिए, फिर आपको लगेगा कहीं ऐसा है तो आप फिर से एक बार ऐसे ऐसे करके इसको सेट कर लीजिएगा। फिर जो आपका मेकअप उभर के आएगा ना, करना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट होता है और हमारे हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है कि मेकअप से। और फिर इसकी सेटिंग करने के बाद के मेकअप से आप देखेंगे आपका छोटी छोटी चीज़ें मेकअप में ध्यान रखने से हमारा मेकअप पहले मतलब ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही प्रोफेशनल मेकअप किया है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और छोटी छोटी चीज़ों से अपने मेकअप को अच्छा बना सकते हैं एकदम प्रोफेशनल की तरह। और हाँ, मेरे चैनल इस सब के लिए मेरे चैनल को आप सबको सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, जैसे कि मैं ऐसे सारे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकूँ, जो आपको डेली रूटीन में कैसे यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं हर सारी चीज़ें बताता रहती। तो मैं बस वही करना चाहती, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ या जो बहुत ही ज़रूरी होती है करना, वो चीज़ें मैं बताऊँगी। हाँ, ये सब मार्केट में तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है मेकअप सेटिंग स्प्रे, और कोई कोई अच्छा भी नहीं रहता, बहुत स्टेकी रहता है ऐसे। तो ये बहुत ही नेचुरल है और इसकी स्मेल तो बहुत, अगर आप इसको फ्रीज में रखें गर्मी के सीजन, इतना ठंडा ठंडा लगेगा आपका स्किन और एक ब्राइटनेस आपके मेकअप में निकल के आएगी। अब मैं आप यूज करिएगा, फिर आप देखिएगा कितना इफेक्टिव है ये आपका, बस बहुत ही कौन है
आप तो जान देखा ही आपने कितना कॉस्टली है, कोई इसमें ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं पड़ी, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें से बनी है। आप इसको एक महीना तक फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए और ताज़ा ताज़ा बनाइए। आप इसको एज ए टोनर भी यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, तो आप इसको यूज करिए और फिर बताइए कि कैसा आपका मेकअप पहले से आपने कितना अच्छा कर लिया है। तो ऐसे ही ट्रिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मैं आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।